हेलो फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 7 का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लेक्चर 6 में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने देखा था सी और C++ के स्ट्रक्चर टॉपिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, 3 डिफरेंसेस हमने देखे थे। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए क्लासेस के साथ स्ट्रक्चर का कंपेरिजन करेंगे। हमको याद होगा कि स्ट्रक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेंबर्स पब्लिक माने जाते हैं, जबकि क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर्स प्राइवेट माने जाते हैं। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। बाकी सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट जो हम क्लास के लिए पढ़ेंगे, वो स्ट्रक्चर पर भी उतने ही एप्लीकेबल होंगे। अब इस बात को समझने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बनाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए आपको 2 नंबर स्टोर करने होंगे। 2 नंबर स्टोर करना, इसका मतलब 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो हम एक ऐसी क्लास बनाएंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, जिसका एक ऑब्जेक्ट 2 वैल्यूज कंटेन करेगा। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद क्लास का कॉन्सेप्ट उससे कंपेयर करते हुए बताता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया जिसका नाम रखा कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर मैंने प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए ए और बी, कुछ पब्लिक फंक्शंस बना रहा हूँ, void set data int x int y। यहाँ पे लिखता हूँ ए असाइन एक्स, बी असाइन वाई। एक और फंक्शन शो डेटा, सी आउट, ए की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। बी की वैल्यू, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना होगा। तो मैंने स्क्रीन क्लियर की, मैंने कॉम्प्लेक्स क्लास का, सॉरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया C1। ओके, सो व्हाट इज C1? C1 एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी। अब मुझे अगर इन ए और बी को एक्सेस करना है तो C1.A लिखकर एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर्स हैं। मैं केवल पब्लिक मेंबर्स को ही कॉल कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ए और बी में वैल्यूज रखनी है तो मुझे set_data इस फंक्शन को कॉल करना होगा, और जो भी वैल्यू मैं पास करूँगा वो C1 के ए और बी में चले जाएंगे। इसका मतलब C1 के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, ये 3, 4 C1 के ए और बी में जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि सेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है C1 ने। तो सेट डेटा फंक्शन के अंदर जब आप ए और बी वेरिएबल को यूज करोगे तो ये दोनों वेरिएबल्स C1 को बिलोंग करेंगे। इसी तरह से C1.showData, ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा था। वहाँ पे हमने एक डिफरेंट एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आई होप 2 एग्जाम्पल के बाद चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये बन गया हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यस, ए बी की वैल्यू 3, 4 आ रही है। अब अगर यहाँ पर मैंने प्राइवेट ना लिखा होता, पब्लिक ना लिखा होता, तो सारे के सारे मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक माने जा रहे होते। लेकिन हम चाहें तो जिसको चाहें पब्लिक, जिसको चाहें प्राइवेट बना सकते। अब स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह अगर मैं क्लास कीवर्ड लिख दूं तो ये बन गई क्लास। तो क्लास और स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जो मामूली सा डिफरेंस था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अभी अगर यहाँ पर प्राइवेट ना भी लिखूं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेंबर्स, सारे नहीं, ए और बी ये प्राइवेट हैं, क्योंकि उसके नीचे तो मैंने पब्लिक लिखा हुआ है, तो बाकी दोनों फंक्शंस ये तो पब्लिक ही माने जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ए और बी को प्राइवेट माना जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए, क्लियरिटी के लिए आप प्राइवेट लिखकर मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है।
जो कॉन्सेप्ट हम स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल सेम है। अब कई लोगों का सवाल ये होता है कि सी प्लस प्लस में जब स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है तो क्लास का कॉन्सेप्ट क्यों है? इसका एक सिंपल सा रीज़न है, कोई बहुत बड़े रीजन्स नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा रीज़न जो समझ में आता है वो ये है कि स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में था तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को वैसा बनाना पड़ा जिससे कि वो सी जैसा भी बिहेव कर सके, सी स्टाइल में भी स्ट्रक्चर को आप यहाँ लिख सकें। लेकिन क्लास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है जिसके लिए कोई बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में जब भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो क्लासेस के कॉन्सेप्ट में इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि हम जावा अगर पढ़ते हैं तो जावा लैंग्वेज में क्लास का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बात कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम क्लास यूज़ करें या स्ट्रक्चर यूज़ करें, पर हम अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में क्लास का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर पर भी उतने ही एप्लीकेबल होंगे। तो जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली क्लास बनी है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, दो फंक्शंस हैं। अब इसके अलावा क्लासेस में हमें क्या समझना है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिए कि क्लास की मदद से बने डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स का वेरिएबल C1 वेरिएबल ना कहला के ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो हम यहां कहेंगे C1 इज एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट मेमोरी कंज्यूम करता है, क्लास कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रही है, ऑब्जेक्ट ने मेमोरी कंज्यूम करी है। तो C1 की तरह मैं C2 C3 C4 बनाऊंगा तो मेमोरी कंज्यूम होगी। अच्छा, इसके बाद C1 ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया है, तो यहां पे नाउन और वर्ब होते हैं। तो C1 एक नाउन है जिसके लिए सेट डेटा वर्ब परफॉर्म हुई है, यानी नाउन डॉट वर्ब। तो ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ है सेट डेटा के रूप में, ये C1 पर एप्लीकेबल है। तो हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी मेंबर फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो मेंबर फंक्शंस की पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि मेंबर फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल होते हैं उसके मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। जैसे ए और बी को सेट डेटा ने एक्सेस किया है तो ये C1 को बिलोंग करेंगे क्योंकि C1 ने सेट डेटा को इस समय कॉल किया हुआ है। इसके अलावा मेंबर फंक्शन को ये अधिकार है कि वो अपने क्लास के किसी भी मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन हम चाहें तो क्लास की बॉडी के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये सेट डेटा फंक्शन है, अगर मैं क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि बाहर डिफाइन करेंगे लेकिन इसे मानेंगे मेंबर। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं कोई फंक्शन बाहर डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल void set underscore data int x comma int y, तो इस तरीके से बाहर डिफाइन करने में प्रॉब्लम ये है कि ये मेंबर फंक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसे मेंबर फंक्शन माना जाए भले ही मैं इसको बाहर डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसकी दो शर्तें हैं, एक तो आपको फंक्शन को अंदर डिक्लेयर करना होगा, दूसरा बाहर जब डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन के नेम और फंक्शन के रिटर्न टाइप के बीच में मेंबरशिप लेबल लगाया जाएगा जो कि होगा कॉम्प्लेक्स यानी क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दो बार कॉलन लगा के। तो ये कहलाता है मेंबरशिप लेबल। तो मेंबरशिप लेबल आपने अगर लगा दिया और अंदर डिक्लेरेशन कर दिया तो ये माना जाएगा कि ये फंक्शन भले ही बाहर डिफाइंड है पर कॉम्प्लेक्स क्लास का मेंबर फंक्शन है। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है, जब आप क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, जबकि बाहर डिफाइन करते हैं तो उसे इनलाइन बनाने के लिए इनलाइन कीवर्ड डिक्लेरेशन के वक्त लिखना पड़ता है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता है, आप चाहे जैसे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।